आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल बूचड़खाने के विरोध में हिंदू संगठनों ने कल निकाली रैली, ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की करी मांग। कहा, पकड़े गए अपराधियों पर लगाया जाए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। बैतूल के रावणवाड़ी में रविवार को मिले बूचड़खाने से हिंदू संगठन नाराज है। इसके चलते कल सोमवार को अलग अलग जगह पर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक संगठन ने बैल बाजार पहुंचकर 11 वंश पकड़कर गौशाला भिजवाए हैं। संगठनों ने बैतूल कलेक्टर एवं बैतूल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौ रक्षा विभाग, सर्व हिंदू समाज और राष्ट्रीय हिंदू सेना ने गौवंशों की तस्करी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों ने दोषी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करी। आपको बता दें कि इस दौरान ज्ञापन भी सौंपा गया। राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन कल बैतूल कलेक्टर को सौंपा। उन्होंने शिवाजी चौक से रैली निकाल कर जमकर आक्रोश जताया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने रैली की शक्ल में बैल बाजार में पहुंचकर 11 गौवंशों को पकड़ा और गौशाला भी भेजा। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पकड़े गए सभी अपराधियों पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। जिस बूचड़खाने में गौवंश का कत्ल हो रहा था उसे ध्वस्त किया जाए एवं खेत के भूस्वामी पर भी प्रकरण दर्ज किया जाए। बैतूल आमला में ट्रेन से उतरने की कोशिश में गिरा युवक, कटा हाथ। राजस्थान जाने के लिए इंदौर से था निकला, आमला स्टेशन के पास हुई घटना। चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास में नीचे गिरने से इंदौर का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से उसका एक हाथ कट गया है। युवक को राजस्थान जाना था लेकिन वह गलत ट्रेन में सवार हो गया था। फिलहाल उसे गंभीर हालत में बैतूल के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, इंदौर निवासी रवि पिता बलराम वाडेकर उम्र 38 वर्ष राजस्थान जाने के लिए निकला था। नागपुर इंदौर ट्रेन में वह सफ़र कर रहा था। भोपाल उतरकर राजस्थान के लिए उसे गाड़ी बदलना था, परंतु युवक ट्रेन में सो गया। नींद के चक्कर में युवक भोपाल से आगे निकल गया। युवक की जब नींद खुली तब वह आमला रेलवे स्टेशन के आसपास था। युवक ने देखा कि वह भोपाल से काफ़ी आगे आ गया है, जिसके बाद युवक आमला में चलती ट्रेन से नीचे उतरने का प्रयास करने लगा। तभी अचानक युवक का पैर स्लिप हो गया और युवक का हाथ ट्रेन के पहिए में आ गया। दर्दनाक रूप से युवक का हाथ कट गया है। जैसे इसकी जानकारी आरपीएफ को लगी तो आरपीएफ पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में आमला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद युवक को बैतूल के जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। बैतूल आमला स्थित हसलपुर की रामटेक पहाड़ी पर चलाया गया वृक्ष गंगा अभियान। जिला न्यायाधीश ने कहा, पर्यावरण रहेगा तो मानव बचेगा। पहाड़ी पर 1100 पौधों का किया गया कल रोपण। कल हरियाली अमावस्या के शुभ अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा आमला स्थित हसलपुर की रामटेक पहाड़ी पर वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत बड़ी संख्या में पौधों का रोपण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण के मुख्य आतिथ्य और डॉक्टर कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में 1100 पौधों का रोपण कर पुनः रामटेक पहाड़ी पर वृक्ष गंगा अभियान प्रारंभ किया गया है। मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे ने कल मुलताई की नगर पालिका परिसर में पहुंचकर नपाध्यक्ष नीतू परमार को दिलाई शपथ। विधायक की उपस्थिति में ग्रहण किया पदभार। सैकड़ों की संख्या में कल कांग्रेसी कार्यकर्ता हुए शामिल। मुलताई नगर पालिका में नपाध्यक्ष नीतू परमार ने विधायक श्री सुखदेव पांसे की उपस्थिति में एक बार फिर से पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। माँ ताप्ती और खाटू श्याम बाबा के पूजन के बाद नपाध्यक्ष नीतू परमार ने एक बार फिर से अध्यक्ष के तौर पर काम संभाला है। हमारी नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती नीतू प्रहलाद परमार, जो जनता से चुनी थी, पार्षदों से चुनी थी, का निर्वाचन शून्य घोषित किया गया था और उसको हाईकोर्ट के
माननीय न्यायाधीश के द्वारा फिर से स्टे प्राप्त हुआ और चार्ज के निर्देश दिए, तो पुनः नगरपालिका अध्यक्ष पद पर आज फिर से यथावत चार्ज लेकर हमने शुभकामनाएं दी और जनता जनार्दन और मुलताई शहर के सर्वांगीण विकास के लिए आज हमारी पूरी परिषद ने संकल्प लिया है कि जो काम बचे। बैतूल एसपी कार्यालय में गौ हत्या के मामले में बजरंग दल के द्वारा कल किया गया जमकर प्रदर्शन। बजरंग दल के द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल को कल किया गया था तैनात। बैतूल में अवैध रूप से गांजा तस्करी के मामले को लेकर माननीय कोर्ट ने तीन आरोपियों को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपए के जुर्माने से कल किया दंडित। बैतूल रावणवाड़ी में अवैध बूचड़खाना संचालन का मामला, तीसरा आरोपी नागपुर से हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी का कराया मेडिकल, भेजा जेल। प्रभातपट्टन ग्राम बिस्नूर पहुंचे बैतूल कलेक्टर श्री अमनवीर सिंह बैस, किया औचक निरीक्षण। ग्रामीणों ने बैतूल कलेक्टर से की शिकायत। लापरवाही की शिकायत के बाद बैतूल कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाई जमकर फटकार। प्रभातपट्टन क्षेत्र में नहर लाओ संघर्ष समिति ने चलाया गांव में जागरूकता अभियान। कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी का किया जमकर विरोध। मुलताई विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों सिंचाई योजना से वंचित दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीण प्रदेश सरकार एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ हो गए। किसानों का आरोप है कि किसी भी पार्टी ने किसानों की समस्याओं को मुखरता से नहीं उठाया है। चुनाव में अपना हित साधने के बाद गांव की समस्याओं की ओर किसी भी जनप्रतिनिधि ने मुड़कर नहीं देखा है। ग्रामीणों ने पूर्व विधायक चंद्रशेखर देशमुख एवं वर्तमान विधायक श्री सुखदेव पांसी के खिलाफ विश्वासघात का आरोप भी लगाया है। बताया है कि पूर्व विधायक चंद्रशेखर देशमुख एवं वर्तमान विधायक श्री पांसे को हजारों मतों से विजयी बनाने के बाद भी दोनों ही जनप्रतिनिधियों ने किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया। इनकी राजनीति सिर्फ वोट साधने तक ही सीमित रह गई। आपको बता दें कि रविवार को मुलताई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दातोरा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया था, जहां ग्राम चौपाल में सैकड़ों किसानों ने उपस्थित होकर आगामी चुनाव के बहिष्कार की खुलकर घोषणा की थी। मुलताई बस स्टैंड मुलताई पर बस एजेंटों की क्रमिक भूख हड़ताल में कल शामिल हुए मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे, कहा वचन पत्र में करेंगे इसे शामिल। माताप्ती बस एजेंट एसोसिएशन मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल कर रही है। क्रमिक भूख हड़ताल के तीसरे दिन कांग्रेस ने धरना स्थल पर पहुंचकर इस एसोसिएशन की मांगों का समर्थन किया। माताप्ती बस एजेंट एसोसिएशन ने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की है। भूख हड़ताल में बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, हेल्पर्स और एजेंट्स शामिल होकर मांगों का जल्द निराकरण की मांग कर रहे हैं। कल सोमवार को मुलताई विधायक श्री सुखदेव पांसे ने भी क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे एसोसिएशन के सदस्यों से मुलाकात की। मुलताई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में शाजापुर में प्रथम सीएम राइज स्कूल के भवन का कल हुआ लोकार्पण। साथ ही स्कूल चले हम अभियान 2023 का राज्य स्तरीय आयोजन भी हुआ प्रारंभ। कल इस पूरे कार्यक्रम का मुलताई के सीएम राइज स्कूल में दिखाया गया लाइव प्रसारण। बैतूल जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार भी हुए शामिल। आमला निवासी पिता पुत्र का पुलिस अधीक्षक कार्यालय रतलाम में रतलाम एसपी श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा किया गया सम्मान। चौथी डिस्ट्रिक्ट शूटिंग चैंपियनशिप में हासिल किए पिता पुत्र ने रजत पदक।
रतलाम में आयोजित डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के द्वारा चौथी डिस्ट्रिक्ट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन TIT रोड स्थित रेंज पर किया गया। इस दौरान करीब 25 शूटर्स ने भाग लिया। आपको बता दें कि इसमें आमला के निवासी और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर श्री चंद्रशेखर नागले ने सीनियर पिस्टल NR में सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं उनके सुपुत्र वीरभद्र नागले ने भी यूथ और जूनियर कैटेगरी में रजत पदक प्राप्त किया है, जिसके बाद रतलाम के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के द्वारा पिता पुत्र सहित सभी विजेताओं का मेडल पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। घोड़ा डोंगरी सतपुड़ा डैम के खोले गए 7 गेट। तवा नदी में छोड़ा जा रहा है प्रति सेकंड 12,000 क्यूसेक पानी। क्षेत्र में लगातार हो रही है भारी बारिश। शाहपुर माचरा नदी का जल भरकर शाहपुर से कांवड़ यात्रा पर निकला युवाओं का जत्था। युवाओं के जत्थे का जगह जगह पर किया गया जमकर स्वागत। घोड़ाडोंगरी जुआड़ी गांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे 2 युवकों पर रानीपुर पुलिस ने धारा 151 के अंतर्गत की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही। बहसदेई दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कराया आरोपी का मेडिकल। बहसदेई थाना प्रभारी श्री जयंत मस्कोले ने इस पूरे मामले को लेकर दी जानकारी। बहसदेई कांग्रेस विधायक श्री धर्म सिंह सिरसाम ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, लाडली बहना योजना के नाम पर हो रहा है भारी भ्रष्टाचार। चिचोली नगर के चंद्रशेखर वार्ड में 3.5 लाख रुपए की अज्ञात चोरों ने कर ली चोरी। पुलिस थाने में शिकायत हुई दर्ज। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जा रही है छानबीन। आठनेर ब्लॉक के सभी सरपंचों ने 22 सूत्री मांगों को लेकर कल आठनेर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बड़ी संख्या में नजर आए सरपंच।